Welcome to the Cineverse, to join the universe of cinema with Kritesh Agrawal, episode 4 of Logline and Research. As we see the logline, many writers might have their ideas, might not. Many of you have the ideas, but we don't have any defined version of those ideas. How to do that? We have our creativity on all the directions, you know. We have our hands in all the horizons, but how to define that? What is the exact point which I want to convey to the society? Because it is very important that being a filmmaker, being a storyteller, I should be clear first so that I can make my audience clear. कहानी को बताने के लिए जितना जरूरी एक ऑडियंस को क्लियर करना है, उससे पहले हमें खुद को क्लियर होना है. जब भी आपके पास कोई आइडिया आता है, वो आइडिया बिल्कुल हवा के जैसा है. बहुत सारे, मतलब हर एक सेकंड में आपको मल्टीपल्स ऑफ आइडियाज आएंगे. लेकिन वो जो एक पॉइंट है, अगर हम मैथमेटिक्स के थ्रू, हेल्प के थ्रू आप समझें, तो एक पॉइंट जिसके थ्रू आप अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम वन पॉइंट, राइट? हम सब ने फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ा है. लेकिन वो एंडलेस लाइंस का कोई पार नहीं है. इसलिए क्या जरूरी है? एक फिक्स लाइन जो डिफाइन कर सके कि हमारी पूरी कहानी, हमारा पूरा सर्कल कहाँ होगा. तो वो जो सर्कल है, जो आपका आइडिया, जैसे मैंने बोला कि मेरे को एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है, तो वो एनवायरनमेंट को मैं कैसे डिफाइन करूँ एक कहानी में? या मैं अगर कहूँ कि मुझे एजुकेशन सिस्टम से बहुत डिफाइन करता है कि यार नहीं, ये मतलब देर इज सम प्रॉब्लम, देर इज सम चेंज इज नीडेड इन द एजुकेशन सिस्टम. तो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, थ्री इडियट्स फिल्म, जो कि बहुत ही फेमस डायरेक्टर ने बनाई है और कमाल के एक एक्टर अपने आमिर खान जी उसमें हैं. तो क्या उसमें हम कर सकते हैं कि जैसे कहानी एजुकेशन सिस्टम पे तो लाखों हो सकती है, लेकिन तीन दोस्त जो एजुकेशन सिस्टम के अलग जाकर अपनी पढ़ाई और अपने टैलेंट को प्रूव करते हैं सोसाइटी में, वो हमें देखने को मिलता है एक कहानी में. और जब हम ये लॉगलाइन डिफाइन करते हैं, तो वो बन जाती है थ्री इडियट्स, राइट? तो आप लोगों को डिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है कि आपका जो आइडिया है, जो भी आपने सोचा है कि आपको ये कहानी लिखनी है, तो वो कहानी क्या होगी, पॉइंट नंबर वन. और पॉइंट नंबर टू, उस कहानी को कैसे हम एक लाइन में या टू सेंटेंस में या थ्री सेंटेंस मैक्सिमम में कैसे डिफाइन करें, दैट इज़ योर टारगेट. और उसको हम फिल्म की दुनिया में बोलते हैं लॉग लाइन, LOGLINE, राइट? और लॉग लाइन का अंदर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी से इंस्पायर हो या कुछ भी. इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपना आइडिया, क्योंकि कहानी देखिए, या सोसाइटी से जब हम आते हैं, तो सोसाइटी में डेफिनेटली कोई ना कोई टॉपिक कभी ना कभी किसी ना किसी फिल्म मेकर, किसी ना किसी स्टोरी टेलर ने कहीं ना कहीं तो उठाया ही होगा. लेकिन हमारा काम है उस कहानी को अपने स्टाइल से कैसे उनको बताएं, और वो आपका आइडिया आएगा लॉग लाइन से. क्योंकि फर्स्ट बेस जो होता है, वो अगर आपका परफेक्ट है, क्लियर है, तो फिर आगे की कोई परेशानी नहीं होगी, राइट? बट चलिए, हमने लॉग लाइन भी सोच लिया कि हमारी कहानी का ये लॉग लाइन होगा, लेकिन उस लॉग लाइन के अराउंड कहानी में कैसे, जो कहते हैं अरे क्या शानदार कहानी लिखी है आपने, वो कैसे बनाए? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो एक बार आ गया इस दुनिया में, लॉग लाइन तो आ गई, लेकिन अब क्या, उसका एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे ही आपकी कहानी के लिए उसका रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो होगा कि आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट पे बहुत सारी पढ़ाई करते हैं. अगर आप एनवायरनमेंट पे बना रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आसपास में बहुत सारी हलचल हो रही है, न्यूज़ के अंदर बहुत सारी हलचल हो रही है, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आपको देखने को मिलता है लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल बुक्स हैं, साइंटिफिक बुक्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, टेक्निकल, क्रिएटिव, इमोशनल. और यहाँ पे आपके लिए रिसर्च के लिए एक थ्योरी मैं आपको दे देता हूँ. देर इज़ अ थ्योरी विच इज़ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ पर्सुएशन. एरिस्टोटल जी एक बड़े कमाल के थ्योरिस्ट थे. उन्होंने कहा कि कोई भी कहानी को अगर
कमाल का बनाना है, कोई भी बातचीत को अगर आपको जबरदस्त बनाना है तो उसमें तीन चीजों की जरूरत है। वो तीन चीज पहली है इथॉस, फिर है पैथॉस और तीसरा है लोगोस। इथॉस क्या होता है? अथॉरिटी। मान लीजिए कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आपको एक कमाल का इंजीनियर बनना है, आपको एक बड़े शानदार आईटी कंपनी में जॉब करनी है कुछ भी, और मैं अगर आपको कहूं कि अगर आप बादाम खाएंगे तो आप कमाल के इंटेलिजेंट आदमी हो जाएंगे, आप मेरी बात को बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हो, ये सुनी सुनाई मिथ बोल रहे हो। लेकिन मैं अगर कहूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि बादाम खाने से हमारी बुद्धि बहुत अच्छी होती है तो डेफिनेटली आप फॉलो करोगे। तो इसी रीज़न से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक अथॉरिटी का अप्रोच रहे। तो जब आप कहानी बनाते हैं तो उस कहानी में आप कोशिश करें कि ऐसे कितने सारे थ्योरिस्ट हैं, ऐसे कितने सारे एक्टर्स हैं, ऐसे कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने क्या क्या बोला है, वो हम उसको लेकर आए हमारी रिसर्च में। सेकेंड अप्रोच था पैथॉस। पैथॉस मतलब इमोशनल अप्रोच, इमोशंस। अगर हमने एक एडवर्टीजमेंट देखा है निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध की सफ़ेदी निरमा से आए, तो उसमें कहा जाता है कि मम्मी के हाथ भी आपके नरम रखते हैं अगर आप हमारे साबुन को इस्तेमाल करो तो। हर एक इंसान इस दुनिया में अपनी माँ से प्यार करता है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो उन्होंने यशोदा मैया से बहुत प्यार किया। अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं मेरी मम्मा से बहुत कनेक्टेड हूँ। आप अगर मोदी जी की बात करें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी मम्मा के साथ बहुत कनेक्टेड है। एवरीबडी, आई थिंक कोई ऐसा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता जो अपनी माँ से प्यार ना करे। तो उन्होंने इतना बड़ा इमोशनल अप्रोच किया कि अगर आप अपनी कहानी में इमोशनल अप्रोच रखोगे तो डेफिनेटली आपकी कहानी कमाल की हो जाएगी। तो आप देखो कि कैसे हम इसको इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सके, कैसे हम डिफरेंट नवरस का इस्तेमाल कर सके, वो आपके हाथ में है। और थर्ड एलिमेंट है लोगोस, लॉजिक्स। इफ आई से कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सो आई हैव टू स्टेट सम फैक्ट्स। मुझे आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने पड़ेंगे कि क्यों ऐसा है, क्यों इंडिया ऐसा हो रखा है। तो मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हाईवेज हैं, रोज ये डेवलप हो रहा है, फैक्ट्रीज आ गई हैं, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, इंटरनेट है, 5G आ गया है, यू नो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ग्रो हो रहा है, रेलवेज हमारे पास इंडिया में वर्ल्ड वाइड है, सबसे ज़्यादा रेलवेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन हमारा इंप्रूव हो रहा है, CBSE है हमारे पास, ICG बोर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जब फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं बोलूँगा तो आप बिलीव करोगे, और अगर मैं ऐसी हवाओं में बोलूँगा तो आप मुझ पर डेफिनेटली बिलीव नहीं करोगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अगर आप अपनी कहानी में डालेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इमोशंस, और अगर फैक्ट्स फिगर्स इमोशंस एंड लॉजिकल अप्रोच, तो आई एम प्रिटी श्योर आपकी कहानी कमाल की होगी। तो आप रिसर्च और लॉगलाइन पे ध्यान दीजिए, फिर हम आगे मिलते हैं कैसे उससे हम कहानी बनाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।